हेलो दोस्तों वेलकम टू रोर टू आईआईटी और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट सेशन दैट इज कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस जो हमने स्टार्ट किया था मैंने सीरीज लॉन्च किया था उसका आज हमारा फर्स्ट सेशन है और आज मंडे है तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स के साथ ठीक है तो पहला जो हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन है जिस वजह से हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो ही ये वाला क्वेश्चन देखिए आज मैंने जो चैप्टर लिया आपके लिए वो है डिफरेंशियल इक्वेशन अब आपका काम क्या है आप वीडियो को अभी तुरंत पॉज करें और ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करें खुद से देखें कि आप कितना टाइम लगा पा रहे हैं सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे और कर पा रहे हैं तो कौन सा अप्रोच है आपका सब कुछ देखिए एकदम अच्छे से और नोट डाउन करिए उसको ओके ओके चलिए आई होप आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई किया होगा और फिर आपने कुछ उसका कंक्लूजन निकाला होगा अब मैं आपको बताता हूँ कि इस ये कौन सा टॉपिक है और इसको हम कैसे टैकल करेंगे कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे अब आप देखिए हम यूजली क्या करते हैं हम पहले जब डिफरेंशियल इक्वेशन की बात आती है तब सबसे हम पहले ट्राई करते हैं कि हम लोग जाए वेरिएबल सेपरेबल ठीक है वेरिएबल सेपरेबल ये हमारा सबसे पहला ट्राई रहता है कि वेरिएबल सेपरेट हो पा रहे या नहीं हो पा रहे तो यहां पे आप देख सकते हो कि वाई डी एक्स है एक्स डी वाई है लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई कंबाइन है ठीक है ई रेस टू एक्स क्यूब भी है तो यहाँ पे और डीएक्स है साथ में तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल आई डोंट थिंक सो कि हमारे पास पॉसिबल हो पाएगा ठीक है बहुत बेसिक सी चीज है तो वेरिएबल सेपरेबल यहाँ पे टफ हो जाएगा अब जो इस तरह का इक्वेशन होता है कि जहां पे कोई फंक्शन देखो मैं टॉपिक पे आ रहा हूं वाई एक्स और ये एक फंक्शन है ठीक है ये ये तीन या ये, सॉरी ये भी है e to x cube तक और उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है डी एक्स डी वाई डी एक्स इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा वाई माइनस सॉरी वाई प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ई टू दावर एक्स क्यूब डी एक्स और आ जाएगा एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना ठीक है मैंने वालों को एक साथ ले लिया है अब देखो इसे कहते हैं हम लोग एग्जैक्ट टाइप का differential equation. क्या बोलते बोलते हैं हैं इसे इसे हम इसे हम equation, ex इसका अगर मोटा मोटा मतलब देखें एग्जैक्ट का मतलब है कि जिसका डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्टली पता है ठीक है आपको ईजिली uh, उसका आंसर पता है उसे हम कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है एक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन उसी को कहते हैं कि क्या बोलूँ मैं अगर normal language में बोलूं total तो टोटल करूं तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन रूल अगर अप्लाई करूं तो फर्स्ट वालास्टेंट देन डी वाई प्लस सेकेंड कॉन्स्टेंट और देन एक्स का यही सिंपल तरीके से होता है ठीक है मैंने यहां नीचे वाई नहीं लिखा है तो ये जो है ये वाइडली यूज है इंजीनियरिंग में फिजिक्स में तो अगर कहीं पे आपको इस तरह का टर्म दिख जाए तो आप यहां से डायरेक्ट उसको लिख सकते हो कि हां भाई ये तो है ना एक्सवाई का क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है ठीक है? इस ये तो है ये जो है ये दिस इज एक्स वाई का डिफरेंशिएशन तो कुछ ऐसे कॉमन जनरलाइज इक्वेशन होते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है और उसी को हम बिना प्रैक्टिस किए बिना कुछ कैलकुलेशन किए डायरेक्ट हम उसका आंसर लिख सकते हैं तो अगर आपको कहीं पे सिंपली दिख जाए कि ये वाला है तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू जीरो दिख गया कहीं पे क्वेश्चन में तो इसको मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो आंसर तो सेम ही आना आपका एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही आपका आंसर आना है लेकिन आप क्या कर सकते हो आप अगर आपको एग्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पता है तो आप लिख सकते हो कि दिस इज वॉट दिस इज डी ऑफ एक्स वाई जीरो क्या है डी ऑफ कॉन्स्टेंट दोनों साइड इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिए कैंसिल तो एक्स वाई इज गोल्ड कॉन्स्टेंट तो आप यह डायरेक्ट एक ही सेकंड में लिख सकते हो ओरल ही आंसर कर सकते हो इसको आप वेरिएबल सेपरेबल से जाओगे तो तो आंसर सेम ही आना है इसको उस साइड ले जाओ फिर डी वाई को वहां भेजो वाई को यहां लाओ और एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करो उससे तो आंसर आना ही है आप ट्राई करके देखना एक्स वाईजोल्ड कॉन्स्टेंट ही आना है लेकिन अगर आपको यह मेथड पता है तब आप डायरेक्टली वो फाइंड आउट कर सकते हो तो कई बार क्या होता है कि हमें देख के ही पता चल जाता है कि ये एग्जैक्ट है और कई बार थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो तो देख के पता नहीं चलता है हमें थोड़ा फॉर्मुला यूज करना पड़ता है तो मैं पहले बता देता हूं कि एक्जेक्ट एक्जेक्ट जो फंक्शन है वो कैसे दिखते हैं तो हमारे पास एक सिंपल सा हमारे पास एक टेबल है यहां पे आप देखो डी ऑफ एक्स वाई है तो उसका डिफरेंसिएशन क्या होगा ये हमें सब बच्चे बच्चे को पता है यार फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स तो ये दिख रहा है तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ डी ऑफ एक्स वाई डी ऑफ एक्स वाई दिखा सामने मुझे वो वाला फंक्शन दिखा जीरो तो मैंने लिख दिया अगर मुझे कहीं पर इस तरह से दिख जाए ये बच्चे बच्चे को पता है

और कई बार क्या होता है कि हमें सोचना पड़ता है हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है ऐसे ही हमें आंसर नहीं मिल जाता है और कई बार हमें एक ट्रिक भी पता है कि भैया चलो मुझे ये तो सिंपल है ये सिंपल है ये आ गया तो मैं बता सकता हूँ ये आ गया तो बता सकता हूँ लेकिन और कोई आया कॉम्प्लेक्स तो मुझे कैसे पता चला कि डिफरेंशिएशन वो मतलब कि वो है या नहीं वो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो एग्जैक्ट है या नहीं उसके लिए तो कुछ तरीका बताओ सर तो उसके लिए हमारे पास तरीका है ये वाला ठीक है इसको मैं पहले मिटा देता हूँ सब कुछ उसके लिए जो हमारे पास तरीका है वो है ये वाला कि जब ये ये तरीका हो एग्जैक्ट फाइंड करने का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है एम डी एक्स प्लस एनडीवा अगर ये फॉर्म में हो ठीक है ये फॉर्म में हो और, 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 और अगर 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 डीएम बाई डी एलवाई डेल एम बाई या फिर आप बोलो डी एम बाई डेल वाईक्वल टू हो जाएक्स ठीक है डी एन बाई डी एक्स मतलब कॉन्स्टेंट है, लेते हैं और जब एन का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है ये है पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ये याद रखना ये पार्शियल है इसको इसलिए मैंने डेल लिखा है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ठीक है लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं ये पार्शियल पार्शल है

याद रखना एम डीएक्स प्लस dy है तो यहां पे एम क्या हो जाएगा एम हो जाएगा वाई और एन हो जाएगा एक्स ऐसे मतलब dy देखो यहां पर एम डी एक्स प्लस एनडीवाई तो dx के साथ क्या है वाई तो वो एम हो जाएगा ये हो जाएगा ठीक है तो अब डेल एम वाई डेल वाई क्या होगा बताओ y का विद रिस्पेक्ट टू y वन डेल एन वाई डेल एक्स क्या होगा बताओ n का विद रिस्पेक्ट टू x मतलब कि वन वन इजल टू वन मतलब कि ये है एक्जेक्ट ये हमारा प्रूव हो गया आई होप यू गेट माई पॉइंट ठीक है तो कई बार मोस्टली मुझे लग रहा है कि अगर जेडब्लू मेन्स में इस तरह का क्वेश्चन आए हैं और आएंगे तब ये लोग इसी तरह से इस ये छोटे छोटे में से ही कोई पूछ लेंगे जो आप देखते ही पता कर पाओगे ठीक है अगर आपको थोड़ा सा भी आपको आइडिया है कि अगर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स आ रहा है तब आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो वाई बायस के फॉर्म में क्योंकि माइनस में ही बीच वा, में वाई बाय एक्स वाली साइन आती है मतलब डिवीजन में ही माइनस साइन आती है अगर प्लस साइन होगी तब आपको अंदाजा आएगा कि मुझे कुछ मल्टीप्लीकेशन वाला सोचना है आई होप यू गेट माई पॉइंट

इन टू आई ये हो गया ठीक है और ये एन है डेल एन बाइ करना पड़ेगा तो वो आ जाएगा माइनस वन तो मतलब क्या है मतलब ये दोनों तो इक्वल नहीं आए अगर इक्वल नहीं है तो एक्जेट नहीं, नहीं है अगर अभी मैं सोचू तो करंटली इट इज नॉट एक्जेट तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे थोड़ा uh, इसके साथ छेड़खानी करनी पड़ेगी मुझे क्या करनी पड़ेगी इसके साथ थोड़ी छेड़खानी करनी पड़ेगी तो वो मैं कैसे करता हूँ वो मैं आपको दिखाता ठीक है थोड़ा कुछ छेड़खानी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये भैया इसको हम कैसे एक्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसके लिए आपको जरा सा दिमाग लगाना है जरा सा और कुछ नहीं जरा सा दिमाग लगाना है और मैं बता रहा हूं ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है और यह आपको इंजीनियरिंग में भी आने वाला है अब देखो जरा सा दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं ठीक है थीके? यहां पे देखो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई ओ वाई डीएक्स माइनस एक्सडीवाई सर ने बताया था कि जब वाई डी एक्स और एक्स डी वाई होता है मतलब कि वो डिवीजन वाला रूल हो सकता है ठीक है लेकिन डिवीजन वाले रूल में तो क्या था नीचे वाले आ, वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर आना चाहिए अब मुझे सोचो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी है ठीक है अब फॉर्मुला क्या है डिनोमिनेटर कॉन्स्टेंट डिनोमेटर का डिफरेंशिएशन मतलब डिनोमिनेटर क्या है वाई डिनोमिनेटर है याद रखना डिनोमिनेटर वाई है तो नीचे क्या आना चाहिए वाई स्क्वायर ठीक है अब देखो यहां पे तो वाई नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं यहां पे जीरो है ना तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली डिवाइड द होल इक्वेशन बाय वाई स्क्वायर

e टू दी पावर x क्यूब कैसे e टू दी पावर समथिंग का है टू दी पावर समथिंग cube e to the power क्यूब cube क्यूब equal टू सामने क्या है d ऑफ constant constant का डिफरेंशिएशन होता है जीरो अब ये तो सब सब d में आ गया अब क्या करना है सब इंटीग्रेशन दे दोनों साइड तो यहां इंटीग्रेशन यहां इंटीग्रेशन यहां भी इंटीग्रेशन तो डी और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे और मेरा आंसर आ जाएगा एक्स बाय प्लस ई टू दी पावर एक्स क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कैसा लगा भैया है ना एक नंबर ये तो हमारा आंसर आ जाएगा ए इस तरह का क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेन्स और जेडब्ल्यू एडवांस में भर भर के आते हैं और ये छुपा हुआ है देखो कितना स्पीड में काम हो गया एक छोटा सा दिमाग और आपका आंसर मिल गया और मैं बता रहा हूं जेडब्ल्यू मेन्स के लेवल में यही क्वेश्चन आएंगे अगर जेडब्ल्यू एडवांस में जाना होगा तभी आपको ये सब याद रखने की जरूरत है ठीक है वरना इतना टफ एडवांस में भी चांसेस कम है लेकिन जे डब्ल्यू और एडवांस में ये लेवल के क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस ज्यादा है है तो आपको क्या करना है? थोड़े कुछ इस तरह के टॉपिक के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं अभी बेसिक के लिए आप क्या कर सकते हो वॉट यू कैन डू इज कि आप ये जो फंक्शन है कितने हैं दस फंक्शन है तो दस के दस का आप लिस्ट बना लो और लिखो कि टेन इनवर्स एक्स एक्स तब उसका इस तरह से ही आंसर आएगा। सबको है आप अगर इसका नॉर्मल uh, um, uh, तो से आप सोल्यूशन निकालोगे इसका तो यही आंसर आना है तब एक, एक दो बार आपको इस, इसको लिख दोगे ना तब आपको अंदाजा आ जाएगा कि यार इस से कुछ दिख रहा है ना नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो वो तो तभी आ सकता है जब टेन इनवर्स का जो लो नीचे वाई स्क्वायर है और ऊपर माइनस है ठीक है y, D, S, X, D, y वाला फॉर्म भी है ये तो तभी आ सकता है जब एक्स बाय वाई का झोल हो ठीक है तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये ये अंदाजा आने लगेगा तो बेसिक जेडब्ल्यू मेन्स और, e, और एडवांस के लिए इनफ है ठीक है तो ये हमारा पहला था कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन थ्रू कॉन्सेप्ट का फंडा और uh, हमने आज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में सिखा है और ये नई चीज है ठीक है ये ऐसा नहीं है कि ये uh, आता रहता है ये आता है लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं सारा का सारा जो मैंने बताया है वो पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आप थोड़ा डिटेल करना चाहते हो सिंपल में डिफरेंशियल में इक्वेशन क्वेश्चन थोड़े कुछ क्वेश्चन आएंगे तो uh, बहुत ही अच्छी सीरीज हम बढ़ा रहे हैं डिटेल में हम हर चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि इस सीरीज को आप आगे बढ़ाइए इस वीडियो को सबसे सबके साथ शेयर करिए आज मंडे था हमने मैथ्स लिया है कल ट्यूजडे है तो कल हम लेंगे ठीक है सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वीडियो को लाइक करिए ये सीरीज को शेयर करना जरूरी है हर बच्चा इसकी वैल्यू समझ पाए इसका फायदा उठा पाए ऐसा काम करिए और कमेंट भी कर दीजिए ठीक है वीडियो को अगर थोड़ा टफ लग रहा हो तो एक दो बार और दिख लीजिए आराम से देखिए और साथ में नोट्स भी बनाते जाइए दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस थैंक यू सो मच